तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी सिम का डाटा कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास इस ऐप के अंदर हमारे पास 5 डेटाबेस हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारा डाटा हासिल कर सकते हैं किसी भी सिम का। तो इसको आप डाउनलोड कैसे करोगे और इसको यूज़ कैसे करोगे वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें मेरी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होती। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एंड में यहाँ पे आएगा APK डाउनलोड का बटन। तो मैं APK डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास कुछ ऐड आएगी। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई ऐड आती है तो आपने इसको बैक कर देना है। उसके बाद फिर आपने इस पर क्लिक करना है, जब तक आपके पास ऐड फ्लाई की ऐड नहीं आती आपने इसको बैक करते रहना है। तो यहाँ पे आप जैसे दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड फ्लाई की ऐड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने डैनी कर देना है, अलाउ नहीं करना। उसके बाद जैसे ये 5 सेकंड की ऐड यहाँ पे ख़त्म हो, स्किप ऐड पे आपने क्लिक कर देना है। स्किप ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको अलाउ करने का बोलेंगे, तो आपने यहाँ पे अलाउ करना है। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास अलाउ का कहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो आपके पास ये नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, अगर आपने अलाउ किया तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, आपको ये बटन दे देगा। तो यहाँ पे वो वेट करने का बोल रहे हैं, हम वेट कर लेते हैं, वरना आप यहाँ पे क्लिक दिस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये आ चुका है डाउनलोड का बटन। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी ऐप है तो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद अलाउ करने का कह रहा है तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 5 डेटाबेस आ रही हैं, तो 5 में से हम पहले वाली सिलेक्ट करके देख लेते हैं। इसमें से आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, अगर आपको एक वेबसाइट से डाटा मुकम्मल ना मिले तो आप दूसरी पे सर्च कर सकते हैं। CNIC की भी मदद से आप इसमें किसी भी सिम का डाटा हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर का भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे नेम, एड्रेस और सेकंड एड्रेस और लोकेशन नंबर, अदर नंबर वगैरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको नंबर सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसने कहा है कि आप विदाउट 0 के नंबर सर्च करें, तो यहाँ पे मैं क्लिक हर पे क्लिक कर देता हूँ और हम देख लेते हैं कि ये हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसने इतना सा डाटा यहाँ पे हमें फाइंड करके बता दिया है। तो यहाँ पे नेम की जगह उसने नंबर लिख दिया, एड्रेस की जगह नाम लिख दिया, एड्रेस 2 की जगह नाम आ गया, और ये ID कार्ड नंबर आ गया। उसके बाद इसकी यहाँ पे लोकेशन आ गई है। तो आप इस तरह से डाटा फाइंड कर सकते हैं। इतना डाटा आप उसका नंबर, ID कार्ड, तो इस तरह की एड्रेस, 2-4 चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर ये ऐप अच्छी लगी हो तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको जो नंबर तंग करते हैं वो उसका डाटा निकलवा सकें। तो आप खुद अपने फ़ोन की मदद से किसी का भी सिम का डाटा निकलवा सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।